यस नंदिनी कंटिन्यू। सर फिर 4 ओम और 4 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 ओम, क्योंकि वो दोनों पैरेलल में है। एंड देन 2 ओम एंड 3 वाला जो है वो सीरीज में होगा, तो उनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 ओम। और फिर करंट फाइंड करने के लिए, करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, सो दैट इज 10/5, विच इज 2 एम्पियर। अब जो करंट फ्लो करेगा वो दोनों ब्रांचेस में इक्वली फ्लो करेगा, सो दोनों में से 1 1 एम्पियर फ्लो 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 करेगा। तो पोटेंशियल अक्रॉस 1 ओम हो जाएगा 1 वोल्ट, एंड अक्रॉस 3 ओम हो जाएगा 3 वोल्ट, एंड द डिफरेंस इज 2 वोल्ट। नहीं देखो, थोड़ा सा तुमको लास्ट में करेक्ट करना पड़ेगा इन दी एक्सप्लेनेशन पार्ट। देखो, ठीक है ना, तुम्हारा यहाँ तक जैसे ये पॉइंट सी है, ऐसा मान लो, ठीक है। तो जब तुम सी टू ए जा रहे हो तो पोटेंशियल इज ड्रॉपिंग, वी सी माइनस वी है। हाउ मच करंट इज देयर, 1 एम्पियर एंड 1 ओम, तो 1 × 1 आई आर। यहाँ से यहाँ जाओगे पोटेंशियल ड्रॉप होगा कितना, 1 वोल्ट का। जब तुम वी सी टू वी बी जाओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 3 वोल्ट का होगा। तुमको क्या निकालना है, वी ए माइनस वी बी निकालना है ना, वी ए माइनस वी बी। तो तुम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारा वी ए माइनस वी बी कितना आएगा, तुम्हें क्या करना है, 2 − 1 करना है। सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, वी बी माइनस वी ए, तो वी माइनस वी बी ये कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट लिखना है किसी को तो लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम बताऊंगा। सर 1 मिनट। हाँ लिख लो। सर हो गया। ऐसी प्रॉब्लम हमने कैपेसिटेंस भी की थी, तो इट शुड बी इजी फॉर यू।
कैसे करेंगे? देखो ये जो रेजिस्टर का रिपीटिंग एलिमेंट है ना, वो ये है। तो अगर मैं एक रिपीटिंग यूनिट ऐड कर दूं या एक एलिमिनेट कर दूं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल रिमेन द सेम। ठीक है, तो सपोज करो मैंने ये एलिमिनेट कर दिया, एक एलिमेंट मैंने इसमें से हटा दिया, तो जो पहले था डायग्राम और अब जो डायग्राम है उसमें क्या कोई डिफरेंस है? जो पहले था और जो अब है उसमें क्या कोई डिफरेंस है? कुछ भी नहीं है। तो ये अब ए डैश बी डैश हो गया, इसके अक्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी आएगी? लेट से आर आएगी। तो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए डैश बी डैश इस लेटर से आर। तो मैं इस पूरे सीरीज को जो लेफ्ट में दिख रही है, इसको मैं पूरे को एक आर से रिप्लेस कर देता हूँ, लेट से दैट इज माई आर। और अब मैं अगर यहाँ पे इफ आई अगेन ब्रिंग बैक माई ओल्ड एलिमेंट, विच एलिमेंट, रिपीटिंग एलिमेंट आर वन आर टू का, आई शुड गेट द सेम रेजिस्टेंस। तो जब मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करूँगा, आर टू के साथ में एंड आर वन के साथ में, तो मेरे को फिर से ये मेरे को मिल गया मेरा वॉट इज दैट ए बी। और ए बी के अक्रॉस भी रेजिस्टेंस क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, क्योंकि दोनों आई ए बी एंड ए डैश बी बोथ आर इनफाइनाइट सीरीज, रेजिस्टेंस सेम आएगा। So I can write R, which is across AB, that will be equal to R1 plus R2R upon R2 plus R. Why? Because now these two are in parallel, which in turn is in series with it. So ये expression series combination का, ये expression parallel combination का. So when I substitute the values of R1 and R2, I will get a quadratic in R. R1 R2 की value कितनी दे रखी है हमें? R1 is 1 ohm and R2 is 2 ohm. So R is equal to 1 plus 2 times R upon 2 plus R. अभी क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर एज आर। समझ में आ गया बच्चों? कौन सर जिन्हें सर ये फिर से समझाओ। देखो ये मेरा एक रिपीटिंग यूनिट दिख रहा है R1 R2 का, ये यूनिट रिपीट हो रहा है ना बार बार, देख रहे हो? और ये इनफाइनाइट सीरीज तक है। तो अगर मैं एक एलिमेंट हटा दूं, एक रिपीटिंग यूनिट हटा दूं, तो भी तो इनफाइनाइट ही रहेगा ये। हाँ, जो पहले था और जो अब है उसमें क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं। आ रही बात समझ में कि नहीं? हाँ। तो ये वाला जो एलिमेंट है, एक सेकंड, ये जो एलिमेंट है मेरा, ये इनफाइनाइट सीरीज को मैंने आर से रिप्लेस कर दिया, मैंने इस पूरे कॉम्बिनेशन को किससे रिप्लेस कर दिया? आर से रिप्लेस कर दिया। इस आर के साथ में मैंने एक रिपीटिंग एलिमेंट फिर से ऐड किया, ये वाला आर वन आर टू का। ठीक है ना, तो ये आर वन आर टू का एलिमेंट मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे इसके साथ में। तो ये है तो अभी भी इनफाइनाइट सीरीज ही। इस इनफाइनाइट सीरीज को मैंने यहाँ पे जो इनफाइनाइट सीरीज थी उसको मैंने एक सिंगल एलिमेंट से रिप्लेस किया आर से, और इसका आर वन आर टू और आर का इक्विवेलेंट फिर से मुझे आर मिलना चाहिए, नहीं?
कुछ तो बोलो, आर ई मिलेगा ना फिर से। तो मैंने अभी एक पैरेलल कॉम्बिनेशन आर और इसका, और ये आपस में फिर इसके साथ में सीरीज में, तो वो इक्वेशन मैंने लिख दिया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, आ गया समझ में बेटा? सर बोलो बेटा। सर थोड़ा जूम आउट करो ना, वो पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा। हाँ बस हाँ कीर्तन बताओ कैसे आएगा? सर वायर पहले मतलब बेंड करने से पहले वायर का रेजिस्टेंस लाइट से आर था, तो बेंड करने के बाद भी आर ही रहेगा। फिर हमने डायमीटर पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो दोनों साइड इक्वल रेजिस्टेंस आर बाय टू डिवाइड हो जाएगा। फिर उन दोनों को पैरेलल रेजिस्टेंस कंसिडर करके इक्विवेलेंट करेंगे तो आंसर 3 ओम आएगा।
एकदम सही बात है। सपोज करो ये तुम्हारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, टोटल कितना ओम था, 12 ओम था, तो इसको दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से जब कनेक्ट करोगे तो ऊपर वाले आर्म का और नीचे वाले आर्म का रेजिस्टेंस 6 ओम 6 ओम हो जाएगा, बिकॉज रेजिस्टेंस इज रो एल बाई ए। तो टोटल लेंथ एल थी, उसका आधा लेंथ अगर लोगे तो 6 ओम ऊपर आएगा, 6 ओम नीचे आएगा, राइट। और ये दोनों आपस में फिर कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 और 6 का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इफेक्टिव 3 ओम। आया समझ में कि नहीं? किसी का आया? हाँ नंदनी बताओ कैसे आएगा? सर सर बोलो बेटा। हाँ सर, ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि सब सीरीज में है तो इट विल बी 5 + 7 + 10 + 3। तो करंट फाइंड करने के लिए हम ये ले सकते 50/टोटल रेजिस्टेंस, तो उससे 2 एम्पियर मिल जाएगा। फिर पोटेंशियल डिफरेंस आई मीन हाँ वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल टू 2 × 12। नहीं, यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है, 5 और 7 में 12 है, 12 हाँ ठीक है ना। और तुम्हारे बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 0, क्योंकि ग्राउंडेड है। इसका पोटेंशियल लेट से वी है, so when you are moving across from point A to point B, there is a potential difference of VA minus VB that will be equal to I into R. और इसमें जो resistance है across points A and B is only 12 ohm. तो कितना हो जाएगा ये, 24 volts हो जाएगा। तो VA कितना आ गया, VB तो 0 है ना,
ये टर्म तो जीरो ही है, तो वी ए की वैल्यू 24 वोल्ट होगी। आगे सबको समझ में? अच्छा, पॉइंट डी का क्या पोटेंशियल होगा मुझे बताओ, व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी? और बीसी कितना होगा? देखो वीबी कितना है तुम्हारा, वीबी जीरो, बी टू सी जाओगे तो कितना ड्रॉप आएगा, 20 वोल्ट का आएगा, तो वीसी इज माइनस 20 वोल्ट, वीसी इज नॉट 20 वोल्ट, इट इज माइनस 20 वोल्ट। और वीडी सर, सर सर वीडी माइनस 26 होगा, और 6 वोल्ट का ड्रॉप आ जाएगा, तो माइनस 26 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ का पोटेंशियल माइनस 20 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल माइनस 26 वोल्ट, रीजन समझ में आ रहा है सबको? क्योंकि 2 ओम करंट फ्लो कर रहा है, इसका पोटेंशियल कितना होगा ई पॉइंट का, ये भी माइनस 26 होगा, और माइनस 26 प्लस 50 करोगे अब यहाँ पे पोटेंशियल गेन आ गया है ना, प्लस 50 वोल्ट जब इसमें तुम ऐड करोगे तुमको पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए मिल जाएगा कितना, प्लस 24 वोल्ट। ये वेरीफाई कर रहा है कि आंसर 24। इज इट क्लियर नाउ? फिर से समझाना है ये सबको, समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? यू वॉन्ट इफेक्टिव रेजिस्टेंस टू बी 18 ओम, इसका क्या मतलब है? इसका इफेक्टिव 18 ओम आना चाहिए ए और बी के अक्रॉस, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर?
सर एक मिनट ऑप्शन दिखाओ ना। ऑप्शन की क्या जरूरत है, ऐसे बताओ आंसर क्या आ रहा है। सर फ्रैक्शन में आ रहा है इसीलिए। यस किसी का है सर, 12 वोट होगा क्या? 12 वोट, 12 वोल्ट या ओम? ओम ओम ओम। ओके हाँ कृष्णा तुम बताओ बेटा। सर जो बीच में डायग्राम है ना उसमें, हाँ बोलो बेटा, उसमें 10 ओम और 10 ओम पैरेलल में है इसलिए उनका इफेक्टिव 5 ओम। कृष्णा बेटा तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है, लेट मी एक्सप्लेन। देखो ये 10 और ये 10 आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, ये 5 ओम हो गया, ये 5 और ये 10 सीरीज में कनेक्टेड है तो कितना हो गया 15 ओम आ गया इस आर्म का, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 ओम आ गया। ठीक है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 15 ओम को रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे इसके साथ में 15 ओम क्या हो गया पैरेलल में आ गया इसके साथ में। इसका कॉम्बिनेशन कितना आएगा, 15 और 10 का कॉम्बिनेशन कितना होगा? 6 ओम। कितना आएगा? 6 ओम आएगा। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं इस पूरे को भी रिप्लेस कर दूंगा किसके साथ, सिक्स ओम से कर दूंगा। अब ये 6 ओम इसके साथ में क्या है, सीरीज में 16 ओम, तो ये अगर 16 है और ये भी अगर 16 हो जाए तो इस पूरे का यहां से लेके यहां तक पूरे का 8 ओम आएगा, वही हमें चाहिए। नहीं हमको भी तो यही चाहिए ना, ये हमारा 8 ओम आना चाहिए था, दिस 16 एंड दिस 16 विल बिकम 8 ओम, और ये 8 इस 10 के साथ में सीरीज में है तो 18 ओम आ गया आंसर। दिस इज व्हाट वी वांटेड द आंसर। किसी को डाउट है सर? मतलब ये 10 ओम्स दिया है एक के बाजू में, वो सीरीज में नहीं लेने का है क्योंकि कौन से वाला है, ये 10 ओम दिया है ना एक के बाजू में, ये वाला इसकी बात कर रहे हो? हाँ बस उसकी। हाँ तो ये है ना सीरीज में, इस पूरे के साथ में सीरीज में। अच्छा हाँ, अरे हाँ 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 समझ गया, समझ ना, पूरे के साथ सीरीज। हाँ हाँ हाँ। तो तुमको टोटल इफेक्टिव 18 चाहिए, तो 10 ओम तो ऑलरेडी ये दे रहा है और तुमको फाइनली इसका 8 चाहिए, इसका 8 लाने के लिए तुमको इसको 16 लेना पड़ेगा। आ रही बात समझ में सबको? हाँ
सर क्या बोले बेटा? सर 1/5 आ रहा है। 1/5 आ रहा है कैसे? सबके सब पैरेलल में हो जाएंगे। अरे बाप रे सर, सी आंसर है। सी आंसर है। इसका आंसर है सी। देखो कैसे, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये एक्चुअली पैरेलल में है। समझ में आ रहा है? हमने ऐसे कैपेसिटर में भी क्वेश्चन किया था हमने। इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इस पॉइंट का भी होगा, जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है वो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल होगा। आ रही बात समझ में? तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। तो ये तीनों एक्चुअली पैरेलल में। तो अगर ये तीनों पैरेलल में है तो इसका इफेक्टिव कितना आएगा? 1/3 आएगा इस पूरे कॉम्बिनेशन का। और ये 1/3 ओम इसके साथ में और इसके साथ में क्या है? सीरीज में है। तो उसको ऐड कर दो, 1 + 1 + 1/3 = 2/1/3। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ AB।